Welcome to Panisha Technical Institute. In last lecture, I discussed subtraction instruction in detail. And in this lecture, I am going to discuss increment and decrement operation in detail. So, increment operation mein kya rahega? Increment the content of register, memory, register pair by 1. That means, increment operation mein register, memory or register pair ka jo content hai, usme 1 ka increment ho jayega. That means, अगर आपको रजिस्टर दे रखा है या वो 8 बिट का कंटेंट मेमोरी से आ रहा हो या वो रजिस्टर पेयर हो, इसके कंटेंट में 1 का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा. इससे पहले हमने एडिशन और सबट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, वहां रिजल्ट कहां रहता था, जनरली रिजल्ट कहां रहता था, एक्युमुलेटर में. लेकिन यहां आप किसको इंक्रीमेंट कर रहे हो, एक रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर रहे हो, वो रजिस्टर एक्युमुलेटर भी हो सकता है, वो रजिस्टर बी सी डी कोई भी एक हो सकता है. इसलिए इंक्रीमेंट ऑपरेशन में रिजल्ट उसी में ही रहेगा जिसको आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, रिजल्ट उसी में ही रहेगा, ना कि एक्युमुलेटर में. तो पहला पॉइंट तो ये हुआ. और सेकंड पॉइंट है कैरी फ्लैग इज नॉट अफेक्टेड. देखो इंक्रीमेंट में इंटरनली क्या होगा, एडिशन ऑपरेशन होगा, तो पूरा का पूरा फ्लैग हम कैसे कलेक्ट करेंगे, एडिशन इंस्ट्रक्शन की तरह ही कलेक्ट करेंगे. लेकिन जो कैरी फ्लैग है ये अनअफेक्टेड रहेगा. बाकी सारा का सारा फ्लैग हम कैसे सोल्व करेंगे, एडिशन इंस्ट्रक्शन की तरह ही हम उसे सोल्व करके फाइंड आउट करेंगे. लेकिन कैरी फ्लैग अनअफेक्टेड रहेगा, दैट मीन्स जो इसका प्रीवियस स्टेटस होगा वही कैरी फ्लैग रहेगा. ऐसा क्यों होगा ये हम बाद में देखेंगे. सो कैरी फ्लैग इज नॉट अफेक्टेड. तो कैरी फ्लैग क्या रहेगा, नॉट अफेक्टेड रहेगा. और जो थर्ड पॉइंट रहेगा, रिजल्ट इज स्टोर्ड इन ऑपरेंड यूज. दैट मीन्स आप इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड यूज कर रहे हो रिजल्ट उसी में ही रहेगा. सपोज आपका इंस्ट्रक्शन है INR B, दैट मीन्स हियर वी हैव टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ B बाय 1. फाइनली जो B का कंटेंट है ये 1 से इंक्रीज होके जो उसकी वैल्यू है वो बी में ही रहेगी. तो ये क्या है, यहां पे ये ऑपरेंड है और ये क्या है, ओपकोड है, ठीक है ना. तो जो आप ऑपरेंड यूज करोगे रिजल्ट उसी में ही रहेगा, ना कि एक्युमुलेटर में रहेगा जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में था. और जो फोर्थ पॉइंट है, इंटरनली एडिशन इज परफॉर्म्ड. दैट मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेशन के अंदर जो इंटरनली क्या होगा, एडिशन ऑपरेशन होगा. So these are the four points you have to keep in mind for increment operation. Increment operation ke bhi aage teen format the, INR R, INR M and INR RP. That means increment the content of register or increment the content of memory or increment the content of register pair by 1. So now I am going to discuss first format in detail, which is INR R. So our first instruction is INR R, that means here we have to increase the content of register by 1. So, is instruction ka size kitna rahega? 1 byte rahega. Machine cycles 1 rahenge aur T states kitni rahengi? 4 rahenge. Isse samajhne ke liye hum ek example lete hain, which is INR B. That means we have to increase the content of B register by 1. हमें बी रजिस्टर के कंटेंट को 1 से इंक्रीज करना है. लेट सपोज बी के अंदर जो कंटेंट है वो कितना है, एफ एफ है, और हमें क्या करना है, इसे 1 से इंक्रीज करना है. ओके तो हम क्या करेंगे, इंटरनली क्या होगा, एडिशन ऑपरेशन होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड कर देंगे. अब आप बताओ f में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, लास्ट नंबर में हम जो भी नंबर ऐड करते हैं वो नंबर 1 से डिक्रीज हो जाता है और 1 कैरी जनरेट होती है. तो f में आप 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 1 कैरी आएगी. फिर आप f में 1 ऐड करोगे तो 0 आएगा और 1 कैरी आएगी, लेकिन इस कैरी को आपको नेगलेक्ट कर देना है. कैरी आने से भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा. ऐसा क्यों नहीं होगा, इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. देखो अगर हम दो रजिस्टर को ऐड करें या उन्हें सबट्रैक्ट करें,
या तो उनके साथ एंड ऑपरेशन करें, और ऑपरेशन करें, या एक्सोर ऑपरेशन करें। इनमें से कोई भी ऑपरेशन करने से जब कैरी आती है तब हम उस कैरी को कंसीडर करते हैं। लेकिन यहां कैरी क्यों आई? 8 बिट डेटा का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा? सपोज कि कोई भी 8 बिट डेटा है उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 00H होगी, यही होगी ना 8 बिट डेटा की स्टार्टिंग एड्रेस। अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या आएगा? 01 आएगा। ऐसे अगर हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो कितना आएगा? 02 आएगा। और ऐसे ऐसे इंक्रीमेंट होते होते व्हाट इज द लास्ट नंबर ऑफ 8 बिट डेटा? तो 8 बिट डेटा का लास्ट वैल्यू क्या रहेगा? FFH रहेगा, यही तो रहेगा ना। अब बताओ अगर 8 बिट डेटा की स्टार्टिंग वैल्यू में हम इंक्रीमेंट करते करते एंड पर पहुंच गए, दैट मींस 8 बिट डेटा की लास्ट वैल्यू पर पहुंच गए, अब क्या इसके बाद इंक्रीमेंट करने पर क्या कोई वैल्यू पॉसिबल है? क्या 8 बिट डेटा की जो लास्ट वैल्यू कितनी है? FFH है। तो क्या इसमें अगर हम 1 ऐड करें तो क्या कोई और वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है। अगर आप इसमें 1 ऐड करोगे तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगेन आप कहां पे आ जाओगे? स्टार्टिंग वैल्यू पर ही आ जाओगे। दैट मींस यहां पे इंक्रीमेंट करने से कैरी आया, इसलिए हम इस कैरी फ्लैग को कंसीडर नहीं करते। यह कैरी दो रजिस्टर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कोई भी दूसरे किसी ऑपरेशन से ना आकर यह कैरी रजिस्टर में अपने आप इंक्रीमेंट होने से मैक्सिमम वैल्यू के बाद कुछ वैल्यू ना होने के कारण यह कैरी आया। सो दिस कैरी इज नॉट ड्यू टू एडिशन ऑफ टू रजिस्टर और एनी अदर ऑपरेशन ऑफ टू रजिस्टर। बाय इंक्रीमेंटिंग इटसेल्फ वी गॉट मैक्सिमम वैल्यू एंड वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू आफ्टर दिस मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट कैरी फ्लैग हैज कम एंड ड्यू टू दैट रीजन कैरी फ्लैग इज नॉट कंसिडर्ड। तो जो कैरी आई ये दो रजिस्टर के एडिशन से या किसी भी ऑपरेशन से ना आकर ये कैरी रजिस्टर में इंक्रीमेंट होने से आई। दैट मीन्स जब इंक्रीमेंट होने से हम मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गए और उसके बाद कोई वैल्यू नहीं थी, इस वजह से ये कैरी आई, इसलिए हम इस कैरी को कंसिडर नहीं करते। और कंसिडर ना करने का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रीवियस स्टेटस है वही वैल्यू को हम ले लेते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉट अफेक्टेड। दैट मीन्स जो भी कैरी आई उसे हम 1 या 0 नहीं बोल सकते। अगर ये प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो इससे पहले जो भी कैरी का स्टेटस है हमें उसे ही कंसिडर करना है, और बाकी रिमेनिंग जो भी कुछ होगा वो एडिशन ऑपरेशन की तरह ही होगा। सिमिलरली ऐसा हम डिक्रीमेंट ऑपरेशन के लिए भी करते हैं। तो यहां पे आपको इस 1 को कंसिडर नहीं करना बिकॉज कैरी फ्लैग इज नॉट अफेक्टेड हियर। तो अगर हम इसके फ्लैग्स लिखेंगे तो क्या रहेंगे? एस जेड एक्स ए सी एक्स पी एक्स सी वाई। तो अब आप बताओ साइन फ्लैग क्या होगा? साइन फ्लैग इज द एमएसबी बिट, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी? 0 होगी। और 0 फ्लैग क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि रिजल्ट क्या है? 0 है। तो 0 फ्लैग क्या रहेगा? 1 रहेगा। डोंट कैरी को हम 0 से लिखेंगे। ऑक्सिलरी कैरी यहां पर कितना रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि जब हमने एफ में 1 ऐड किया तो ये 0 हो गया, 1 0 हो गया और 1 ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुई। तो ऑक्सिलरी कैरी कितना रहेगा? 1 रहेगा। डोंट कैरी को हम 0 से लिखेंगे। प्रायोरिटी यहां पे कितनी रहेगी? 1 रहेगी। काफी सारे लोगों के डाउट थे जब रिजल्ट 0 0 रहता है तो प्रायोरिटी फ्लैग 1 कैसे हो जाता है। प्रायोरिटी फ्लैग तो 1 तब होगा जब वंस इवन नंबर में होंगे, लेकिन यहां तो वंस है ही नहीं। तो इसका आंसर यह है कि अगर वंस नहीं है तो भी उसकी जो प्रायोरिटी है, उसका जो इफेक्ट है, वो इवन ही रहता है, इसलिए हम प्रायोरिटी फ्लैग को 1 कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करें 0 और 1, अगर हम बात करें कि जो 0 है वो एक इवन नंबर है, जो 0 की जो प्रायोरिटी है वो इवन है, इसलिए हम प्रायोरिटी फ्लैग को 1 कंसीडर करते हैं। और डोंट कैरी को हम 0 से लिखेंगे, और जो कैरी रहेगी उसको हम किससे मार्क करेंगे? इस एक्स से मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि हम कैरी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी कैरी रहेगी वो प्रीवियस स्टेटस रहेगा। टेक प्रीवियस स्टेटस हियर। तो कैरी फ्लैग में
तो हम प्रीवियस स्टेटस को लेंगे, दैट मींस जो भी प्रीवियस ऑपरेशन में कैरी फ्लैग का स्टेटस था वही हम यहाँ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम 0 या 1 नहीं बोल सकते, सो दैट आई हैव रिटन हियर एक्स विच इज डोंट केयर। सो INR M मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ मेमोरी बाय 1, दैट मीन्स हमें जो मेमोरी से जो कंटेंट है रहा उसे हमें 1 से इंक्रीज करना है। अब फर्स्ट इसमें देखो कि इसका जो साइज कितना रहेगा, इसका साइज कितना रहेगा, 1 byte रहेगा। इसमें मशीन साइकिल्स कितने रहेंगे, 3 machine cycles रहेंगे और 10 T states रहेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मशीन साइकिल्स कितनी है, 3 है ना कि 1 है। ऐसा क्यों हो रहा है इसे हम बाद में देखेंगे। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज A000H INR M। दैट मीन्स जो ये इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी में इस A000H वाली लोकेशन पर है, और जो मेमोरी का जो कंटेंट है बाय डिफॉल्ट उसका जो एड्रेस है वो कहाँ रहता है, HL पेयर में रहता है। और लेट सपोज वो जो एड्रेस है वो कितना है, A200, और जो A200 वाली लोकेशन है वो ये है, और इस लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो है सपोज 6F। दैट मीन्स मेमोरी से जो ये डेटा है ये कहाँ आएगा, प्रोसेसर में आएगा, और प्रोसेसर में आने के बाद ये 1 से इंक्रीज होगा और अगेन इसी लोकेशन पे फिर से यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस 6F में 1 क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि इंटरनली तो एडिशन ऑपरेशन ही होगा इंक्रीमेंट के अंदर। तो अगर आप F में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा और 1 कैरी आएगी, और 6 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या अब आप ये बताइए कि क्या ये 6F यहीं पर ही इंक्रीज हो जाएगा क्या, नहीं। सबसे पहले क्या होगा, फेच होगा, सबसे जो पहला मशीन साइकिल्स क्या होगा, फेच होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस 6F को रीड करेंगे कहां, प्रोसेसर के अंदर। जब ये रीड होगा उसी टाइम इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, रीड के टाइम ही इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगेन इसे हम उसी लोकेशन पर फिर से राइट कर देंगे जहां से इसे हम लेके आए हैं। तो अगेन क्या हो जाएगा, फिर से राइट ऑपरेशन होगा। जब हम रीड करेंगे इसे, रीड के टाइम ही हम क्या करेंगे, रीड के टाइम ही जब हम इसे प्रोसेसर में रीड करेंगे उसी टाइम ही इसका इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो 6F है ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और राइट में इसे हम इसी लोकेशन पर फिर से क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। दैट मीन्स अब जो ये 70 है ये फिर से इस लोकेशन पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, इस 6F को रिप्लेस कर देगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फेच होता है, उसके बाद रीड, और उसके बाद में फिर से राइट। तो फेच, रीड और राइट, फेच में कितने मशीन साइकिल्स, 4, रीड में 3 एंड राइट में 3, तो टोटल टी स्टेट्स कितने हुए, 10 T states हुए। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि केवल INR M और DCR M में ही 3 मशीन साइकिल्स होते हैं, बाकी मेमोरी से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें केवल 1 मशीन साइकिल्स या 2 मशीन साइकिल्स होते हैं, मतलब 40 स्टेट्स या 70 स्टेट्स होती हैं। केवल INR M और DCR M में ही 3 मशीन साइकिल्स होते हैं और 10 T states होती हैं। अब आप मुझे फ्लैग्स बताइए, तो फ्लैग्स इसके लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 70 को बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8421 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0111, और इसे हम और 0 को लिखेंगे हम 0000 से, तो क्या रहेगा नीचे, SSZXACXPXCY। तो साइन फ्लैग क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि जो MSG बिट कितनी है, 0 है। 0 फ्लैग 0 रहेगा क्योंकि रिजल्ट 0 नहीं है, डोंट कैरी को हम 0 से फिल करेंगे। ऑक्सिलरी कैरी कितनी आई थी यहां पे, 1 आई थी, जब हमने F में 1 ऐड किया तो ऑक्सिलरी कैरी कितनी आई थी, 1 आई थी, और डोंट केयर को हम 0 से फिल करेंगे। प्रायोरिटी यहां पे कितनी है, 1s कितनी है, 3 है, तो प्रायोरिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी, अगर 1s 4 होती है तो प्रायोरिटी 1 रहती, तो 1s यहां पे ऑड नंबर में है इसलिए प्रायोरिटी 0 है। डोंट केयर को हम 0 से फिल करेंगे और कैरी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, डोंट केयर पुट करेंगे, दैट मीन्स वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ कैरी।
तो यहाँ पे जो भी कैरी आई है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इस कैरी का प्रीवियस स्टेटस ही कंसीडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम डोंट केयर लिखते हैं। तो ये आ जाएंगे इसके फ्लैग्स। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन की, जिसमें हम रजिस्टर पेयर को इंक्रीज करते हैं वन से। तो अब जो ये थर्ड फॉर्मेट है ये है INXRP, इसका जो साइज कितना रहेगा 1 byte रहेगा और मशीन साइकिल्स 1 रहेंगे, टी स्टेट्स कितनी रहेंगी 6 टी स्टेट्स रहेंगी। INXRP का मतलब वी हैव टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर बाय 1, यहाँ पे रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 से इंक्रीज करना है। तो INXRP से कितने पॉसिबल इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं, तो अगर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा INXB, दैट मींस वी हैव टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ BC रजिस्टर पेयर बाय 1। सिमिलरली INXD, यहां पे DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 से इंक्रीज करना है। INXH मींस HL पेयर के कंटेंट को 1 से इंक्रीज करना है। एंड फोर्थ वन इज INXSP, इवन हम स्टैक पॉइंटर के कंटेंट को भी 1 से इंक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो इस इंस्ट्रक्शन की सबसे खास बात यह है कि इस इंस्ट्रक्शन में कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा, नन ऑफ द फ्लैग्स आर अफेक्टेड। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इंस्ट्रक्शन का कि इसके अंदर कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होगा कि इसमें कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा, इसे हम देखते हैं। सपोज डी रजिस्टर पेयर कंटेन सम वैल्यू, लेट सपोज डी रजिस्टर पेयर के अंदर कोई वैल्यू है, सपोज ये वैल्यू है FF एंड FF, सपोज ये वैल्यू डी रजिस्टर पेयर के अंदर है, तो आपको यहां पे इस रजिस्टर पेयर को अलग अलग इंक्रीज नहीं करना। दैट मींस आपको इस FF में 1 का इंक्रीज करना, फिर इस FF में 1 का इंक्रीज करना, ऐसे नहीं करना, इन दोनों में अलग अलग इंक्रीमेंट नहीं करना, इस पूरे रजिस्टर पेयर को एज ए सिंगल आपको कंसीडर करना है। तो अगर हम इस रजिस्टर पेयर में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, F में आप 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा और 1 कैरी आएगी, फिर F में 1 ऐड करोगे तो 0 आएगा, अगेन 1 कैरी आएगी, फिर आप F में 1 ऐड करोगे तो 0 आएगा, अगेन 1 कैरी आएगी, तो फिर आप F में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा और फाइनली एक कैरी आएगी। और इस कैरी को हमें कंसीडर नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि 16 बिट का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता है, 0000H, अगर हम इसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0001H, और ऐसे ऐसे अगर हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ 16 बिट रजिस्टर, FFFFH, दैट मींस अगर हम इस लास्ट वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट करेंगे तो हम अगेन कहां पे पहुंच जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू के ऊपर। तो जो ये कैरी आई ये लास्ट वैल्यू में इंक्रीमेंट होने के कारण आई, ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन या एंड और या एक्सओर ऑपरेशन के कारण आई, इसलिए हम इस कैरी को कंसीडर नहीं करते, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले रजिस्टर और मेमोरी में बात की थी। लेकिन इसमें बाकी भी फ्लैग्स कंसीडर नहीं करते, ऐसा क्यों, इसे हम अभी देखते हैं। तो आप सपोज करो कि यहां पे 2 8 बिट के एडिशन हो रहे हैं, जैसे कि FF में 1 ऐड हो रहा है, फिर इनके एडिशन से जो फाइनली कैरी आई वो कैरी भी अगेन इस FF 8 बिट रजिस्टर में ऐड हो रही है। तो इसी तरीके से आपको ये मानना है कि यहां पे 2 8 बिट के एडिशंस हो रहे हैं, और हम क्या करेंगे, इन दोनों 8 बिट एडिशन के लिए अलग से फ्लैग्स लिखेंगे। तो सपोज पहले हम कंसीडर करते हैं ये वाला 8 बिट का एडिशन, तो इसमें क्या हो रहा है, हम FF के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग लिखेंगे, कैरी फ्लैग लिखेंगे और 0 फ्लैग लिखेंगे। तो अब आप ये बताओ कि FF में अगर आप 1 ऐड करोगे तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कितना आएगा, यहां पे जब FF में 1 ऐड किया तो जो ऑक्सिलरी कैरी कितनी आई थी, 1 आई थी, और फाइनली जो कैरी आई थी यहां पे ये कितनी आई थी, जो आगे जाकर इस FF में ऐड हो रही थी,
ये कितनी आई थी, 1 आई थी, और जो जीरो फ्लैग क्या रहेगा, क्योंकि जो फाइनली इनसे जो रिजल्ट आया था वो कितना आया है, 0 0 आया है, तो जीरो फ्लैग भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये हमने पहले 8 बिट एडिशन के लिए ऑक्सिलरी कैरी, कैरी और जीरो फ्लैग्स लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा 8 बिट एडिशन के लिए भी इन्हीं तीनों फ्लैग्स को फिर से लिखेंगे। तो सपोज ये जो दूसरा 8 बिट का एडिशन है, इसके लिए जो ऑक्सिलरी कैरी कितनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जब ये 1 कैरी इस एफ में ऐड हुई तो अगेन 1 कैरी आई थी, और ये वाली कैरी इसके लिए क्या रहेगी, ऑक्सिलरी कैरी रहेगी। दैट मीन्स इसके लिए भी ऑक्सिलरी कैरी कितनी आई, 1 आई, और जो कैरी फ्लैग कितना आया था, फाइनली जो कैरी आई थी वो कितनी आई थी, 1 आई थी। और जीरो फ्लैग कितना आएगा, इसमें भी जो फाइनली जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था, 0 0 आया था, इसलिए जीरो फ्लैग भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। दैट मीन्स हमने क्या किया, इस 0 0 के लिए भी, इस 0 0 के लिए यहाँ पे ये फ्लैग्स लिखे अगेन, फिर ये दूसरा जो 8 बिट का रिजल्ट आया था इसके लिए भी हमने यहाँ पे फ्लैग्स लिख लिए। तो जो दूसरा 8 बिट का जो रिजल्ट आया था उसके लिए भी फ्लैग्स क्या आए थे, वही आए थे जो पहले 8 बिट के रिजल्ट के लिए आए थे। दैट मीन्स अगर हमारा डेटा 16 बिट का लास्ट नंबर है तो जो फ्लैग्स की वैल्यू है वो दोनों 8 बिट के लिए क्या आ रही है, सेम आ रही है। लेट सपोज अगर मैं कोई दूसरा डेटा कंसिडर करता हूँ, सपोज जो दूसरा डेटा है वो है, वो है 05 एंड FF, तो अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, F में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा और 1 कैरी आएगी। फिर आप F में 1 ऐड करोगे तो 0 आएगा, अगेन 1 कैरी आएगी। फिर ये कैरी किसमें ऐड हो जाएगी, 5 में ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 0 एज इट इज यहां पे आ जाएगा। तो रिजल्ट कितना आया, 0600H। तो अगर हम इस 16 बिट का जो रिजल्ट है इसके लिए हम अलग अलग फ्लैग की वैल्यू काउंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो सपोज यहां पे हम फिर से 2 8 बिट का एडिशन कंसीडर करते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट 8 बिट के एडिशन में आप FF में 1 ऐड कर रहे हो, और फिर इससे जो कैरी आई थी वो कैरी आप किस में ऐड कर रहे हो, 05 में ये कैरी ऐड कर रहे हो। तो सपोज यहां पे 2 8 बिट के एडिशन हो रहे हैं, सपोज यहां पे जो 2 8 बिट के एडिशन हो रहे हैं, अगर इन दोनों 8 बिट के एडिशन से जो रिजल्ट आया इसके लिए अगर मैं अलग अलग फ्लैग्स की वैल्यू काउंट करूं तो देखते हैं कि फ्लैग्स की वैल्यू क्या आती है। तो हमें कौन से फ्लैग्स की वैल्यू काउंट करनी है, ऑक्सिलरी कैरी की, कैरी के लिए और जीरो फ्लैग के लिए। तो सपोज इस पहले एडिशन को देखें तो इसके लिए ऑक्सिलरी कैरी कितनी आई थी, 1 आई थी, क्योंकि आपने एफ में 1 ऐड किया तो 1 कैरी जनरेट हुई थी, तो ऑक्सिलरी कैरी कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी। और फाइनली जो इसका एडिशन हुआ था उससे भी जो 1 कैरी जनरेट हुई थी जो आगे 05 में ऐड हुई है, तो जो फाइनली जो कैरी आई थी वो कितनी आई थी, 1 आई थी। और जो रिजल्ट है वो कितना है, 0 0 है, इसलिए 0 फ्लैग कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इसके लिए जो फ्लैग की वैल्यू कितनी आई, 1 1 1 आई। तो अब हम इस दूसरे एडिशन को कंसिडर करें तो इससे जो रिजल्ट कितना आया था, 0 6 आया था, और अगर हम इसके लिए फ्लैग्स की वैल्यू काउंट करें तो कितना आया, तो 5 में आपने 1 ऐड किया तो कितना आया, 6 आया। तो क्या कोई कैरी आई, कोई कैरी नहीं आई, इसका मतलब ऑक्सिलरी कैरी यहां पे कितनी है, 0 है। यहां पे 5 में 1 ऐड होने के बाद 6 आ गया और ये 0 एज इट इज आ गया, और फाइनली इन दोनों के एडिशन से कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई, तो इसलिए यहां पे जो कैरी फ्लैग भी कितना है, 0 है। और जो रिजल्ट है वो कितना है, 0 6 है, दैट मीन्स रिजल्ट हमारा नॉन जीरो है, इसलिए जो 0 फ्लैग कितना रहेगा, यहां पे 0 रहेगा। तो 0 6 के लिए जो फ्लैग्स की वैल्यू कितनी आई, 0 0 0 आई। इट मीन्स जो ये 16 बिट का रिजल्ट है इसके लिए अगर मैं अलग अलग 8 बिट की वैल्यू के लिए जो फ्लैग्स फाइंड आउट कर रहा हूं तो वो फ्लैग्स क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। 0 0 के लिए तो तीनों फ्लैग्स 1 1 है, और 0 6 के लिए तीनों ही कितनी है, 0 है। तो मैं किसे कंसिडर करूं, इसको कंसिडर करूं या इसको कंसिडर करूं, तो इसलिए फ्लैग्स की वैल्यू अलग अलग आने से हम इन दोनों में से किसी को भी कंसिडर नहीं कर पाते, इसलिए हम क्या मानते हैं कि यहां पे कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहां पे फ्लैग्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है, दैट्स वाई नन ऑफ द फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो यही रीजन है कि अगर हम रजिस्टर पेयर के कंटेंट में अगर हम 1 का इंक्रीज करते हैं तो कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होता। सो नन ऑफ द फ्लैग्स आर अफेक्टेड फॉर INX RP एंड DCX RP।
अगर हम रजिस्टर पेयर के कंटेंट में डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो भी कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। तो INXRP और DCXRP दोनों ही इंस्ट्रक्शन में फ्लैग्स की वैल्यू अफेक्ट नहीं होती। तो यहां पे आप नोट लगा के लिख लेना, none of the flags are affected for INXRP and DCXRP। तो ये थे इंक्रीमेंट ऑपरेशन के तीनों फॉर्मेट जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन की। तो डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा, डिक्रीज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर मेमोरी आर रजिस्टर पेयर बाय 1। यहां पे हम रजिस्टर या मेमोरी का कंटेंट या रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 से डिक्रीज करेंगे। दैट मीन्स रजिस्टर मेमोरी आर रजिस्टर पेयर के कंटेंट को हम क्या करेंगे, 1 से डिक्रीज करेंगे। और जो सेकंड रूल रहेगा वो सेम है बिल्कुल इंक्रीमेंट की तरह कि यहां पे भी कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा। सो कैरी फ्लैग इज नॉट अफेक्टेड हियर, कैरी नॉट अफेक्टेड, तो कैरी फ्लैग यहां पे अफेक्ट नहीं होगा। और जो थर्ड है कि जो रिजल्ट है वो हमारा कहां रहेगा, ऑपरेंड में रहेगा। और जो फोर्थ रूल है इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है उसे सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में जैसे आपने ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग निकाला था बिल्कुल उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेशन के अंदर आप कैरी फ्लैग निकालोगे। डिक्रीमेंट ऑपरेशन के अंदर जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है उसे हम सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन की तरह कैलकुलेट करेंगे। डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन के भी तीन ही फॉर्मेट होते हैं, डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर मेमोरी एंड रजिस्टर पेयर। तो सबसे पहले हम पहला फॉर्मेट देखते हैं which is DCRR, that means here we have to decrease the content of register by 1। तो इस instruction का जो size रहेगा वो कितना रहेगा, 1 byte रहेगा, 1 machine cycles रहेगा और 4 T states रहेंगे। तो इसे समझने के लिए हम एक example लेते हैं, which is DCRC, that means we have to decrease the content of C register by 1। तो let's suppose सी रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट है वो कितना है, 00, और हमें क्या करना है, इसे 1 से डिक्रीज करना है। तो अगर आप इसे 1 से डिक्रीज करोगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। देखो यहां पे आप 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दैट मींस यहां पे आपको बोरो लेनी पड़ेगी। तो यहां पे आप बोरो कितने की लोगे, 10H की लोगे, क्योंकि ये नंबर हेक्साडेसिमल है इसलिए हम जो बोरो लेंगे वो कितने की लेंगे, 10H की लेंगे। 10H का मतलब होता है 16 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आया, 15, एंड 15 को हम बोलते हैं एफ। तो अगर हमने यहां से कैरी ली तो यहां पे क्या वैल्यू आ गई, 15 आई। तो 15 को हम एज इट इज यहां पे कैसे लिखेंगे, एफ करके लिखेंगे। तो अगर आप तो 00 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया, एफ एफ आ गया, और फाइनली कैरी कितनी आई थी, 1 आई थी। और इस कैरी को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको 00 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक कैरी को लेना पड़ा था। यह कैरी जब यहां पे आई तो यह नंबर कितना बन गया, 16 बन गया। और फिर अगेन इस नंबर से हमने यहां पे फिर से एक कैरी ट्रांसफर की, क्योंकि यहां पे हमें 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना था। तो यहां पे यह 0 क्या हो गया, 16 हो गया। 16 में से हमने 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 15 आ गया, जिसे हमने एफ लिखा। जब यहां से कैरी आई तो यह नंबर 16 से कम हो गया, कितना हो गया, 15 हो गया। और 15 को हमने यहां पे डायरेक्टली कितना लिख दिया, एफ लिख दिया। तो करेंगे इसके लिए फ्लैग्स कैलकुलेट करेंगे। तो एस जेड एक्स ए सी एक्स पी एक्स सी वाई, तो इस एफ एफ को हम बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या नंबर आएगा, 1111111। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कितनी है, 1 है, तो साइन फ्लैग कितना रहेगा, 1 रहेगा। 0 फ्लैग कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि रिजल्ट हमारा नॉन जीरो है। डोंट कैरी को हम 0 से लिखेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी कैरी की। देखो सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने ऑक्सिलरी कैरी लिखने के लिए क्या रूल पढ़ा था, अगर एक्मुलेटर का लोअर निबल ज्यादा है रिजल्ट के लोअर निबल से तो ऑक्सिलरी कैरी क्या रहेगी, 1 रहेगी, अदरवाइज ऑक्सिलरी कैरी क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन यहां पे एक्मुलेटर की जगह पे हमें रजिस्टर गिवन है,
और वो रजिस्टर में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस रजिस्टर का जो लोअर निबल क्या है, जीरो है, और जो रिजल्ट आया उसका जो लोअर निबल क्या है, एफ है। दैट मीन्स रजिस्टर का लोअर निबल कम है और रिजल्ट का लोअर निबल ज्यादा है। तो इस केस में ऑक्सिलरी कैरी क्या थी, जीरो थी। अगर रजिस्टर का लोअर निबल रिजल्ट के लोअर निबल से छोटा है तो ऑक्सिलरी कैरी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अदरवाइज ऑक्सिलरी कैरी क्या रहेगी, वन रहेगी। तो यहां पे हमारे रजिस्टर का लोअर निबल कितना है, जीरो है, और रिजल्ट का लोअर निबल कितना है, एफ है। दैट मीन्स यहां पे रजिस्टर का लोअर निबल छोटा है और रिजल्ट का लोअर निबल बड़ा है, तो ऑक्सिलरी कैरी क्या रहेगी, यहां पे जीरो रहेगी। और डोंट कैरी को हम जीरो से लिखेंगे, प्रायोरिटी यहां पे क्या रहेगी, वन रहेगी, क्योंकि वंस इवन नंबर में है। और डोंट कैरी को हम जीरो से लिखेंगे और कैरी फ्लैग को हम डोंट केयर से लिखेंगे, क्योंकि कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता और कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो प्रीवियस ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ये एक्स क्या बता रहा है, टेक प्रीवियस स्टेटस ऑफ कैरी। तो ये था रजिस्टर का डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। तो अब हम बात करेंगे मेमोरी के डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन की। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, DCRM, दैट मींस हियर वी हैव टू डिक्रीज द कंटेंट ऑफ मेमोरी बाय वन। इस इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, वन बाइट रहेगी। और मशीन साइकिल्स कितने रहेंगे, थ्री मशीन साइकिल्स रहेंगे, जैसे INR M में थे। और जो टी स्टेट्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 10 टी स्टेट्स रहेंगे। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, विच इज 8000H DCRM। तो दैट मींस जो इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी के अंदर इस लोकेशन पे के ऊपर पड़ा हुआ है और मेमोरी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, इसलिए जो कंटेंट मेमोरी से आ रहा है उसका एड्रेस बाय डिफॉल्ट कहां रहेगा, HL पेयर में रहेगा। तो सपोज HL पेयर में जो एड्रेस है वो कितना है, A400, और जो A400 वाली लोकेशन है वो मेमोरी में कहां पर है, यहां पे है। और जो यहां पे डेटा पड़ा हुआ है वो है सपोज B0। दैट मींस सबसे पहला मशीन साइकिल्स क्या होगा, फेच होगा। फेच होने के बाद हम क्या करेंगे, इस B0 रजिस्टर पेयर को रीड करेंगे कहां, प्रोसेसर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, B0 रजिस्टर कहां हो जाएगा, प्रोसेसर के अंदर आ जाएगा, और इसमें डिक्रीमेंट होगा किसका, वन का। तो अगेन आप डिक्रीज करो, तो डिक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, जीरो में से वन माइनस कर नहीं सकते, तो यहां पे आप 10H की क्या लोगे, कैरी लोगे। 10H का मतलब 16 में से वन माइनस होगा तो कितना आ गया, 15, और 15 को हम लिखते हैं एफ से। अब यहां से हमने कैरी ली थी तो ये बी क्या हो गया, ए हो गया। तो फाइनली डिक्रीज होने के बाद जो रिजल्ट कितना आया, ए एफ आया, और ये रिजल्ट अगेन इसी लोकेशन पर राइट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस रिजल्ट को अगेन हम इसी लोकेशन के ऊपर राइट कर देंगे। तो जो लास्ट मशीन साइकिल्स था वो क्या हुआ, राइट मशीन साइकिल्स हुआ। तो अगेन फेच में 4 टी स्टेट्स, रीड में 3 एंड राइट में भी 3, तो टोटल टी स्टेट्स कितनी होगी, 10 टी स्टेट्स होगी। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए फ्लैग्स की वैल्यू लिखते हैं। तो SZXACXPXCY, तो इस ए को हम कैसे लिखेंगे, ए मीन्स 10, तो ए को हम कैसे लिखेंगे, 1010, और एफ को हम कैसे लिखेंगे, 1111, क्योंकि ए का मतलब कितना होता है, 10, तो 8421 करोगे तो 1010 आएगा, ठीक है। तो साइन फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब यहां पे आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखो कितना है, 1 है, तो साइन फ्लैग की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जीरो फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट नॉन जीरो है। डोंट कैरी को हम 0 से लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी कैरी के लिए हम फिर से सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन वाला रूल देखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, रजिस्टर का लोअर निबल देखेंगे और रिजल्ट का लोअर निबल देखेंगे। तो यहां पे रजिस्टर का जो लोअर निबल है वो कितना है, 0, और रिजल्ट का जो लोअर निबल है वो क्या है, एफ। तो 0 कम है, एफ बड़ा है, तो इसलिए ऑक्सिलरी कैरी क्या आ जाएगी, यहां पे 0 आ जाएगी, क्योंकि रजिस्टर का जो लोअर निबल है वो छोटा है रिजल्ट के लोअर निबल से, इसलिए ऑक्सिलरी कैरी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर उल्टा होता तो ऑक्सिलरी कैरी क्या आती, 1 आती। डोंट केयर को हम लिखेंगे 0 से। प्रायोरिटी यहां पे कितनी रहेगी, प्रायोरिटी के लिए आप वंस देखो, तो वंस इवन नंबर में है तो प्रायोरिटी कितनी रहेगी, यहां पे 1 रहेगी। डोंट केयर को हम 0 से लिखेंगे और कैरी फ्लैग को हम डोंट केयर से लिखेंगे, क्योंकि कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता और कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था
डिक्रीमेंट ऑपरेशन मेमोरी से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेशन रजिस्टर पेयर से रिलेटेड। तो डीसीएक्स आरपी का मतलब क्या है? यू हैव टू डिक्रीज द रजिस्टर पेयर बाय वन। आपको रजिस्टर पेयर के कंटेंट को वन से क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो इसमें जो मेमोरी का साइज रहेगा वो कितना रहेगा? वन बाइट रहेगा, और मशीन साइकिल्स वन रहेगा, और जो टी स्टेट्स रहेंगे वो सिक्स टी स्टेट्स रहेंगे। सो टेल मी व्हाट आर द पॉसिबल इंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए पॉसिबल इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे? डीसीएक्स बी हो सकता है, बी से रजिस्टर पेयर का आप डिक्रीज कर सकते हो। डीसीएक्स डी हो सकता है, दैट मीन्स डी रजिस्टर पेयर को आप डिक्रीज कर सकते हो। डीसीएक्स एच हो सकता है, दैट मीन्स एचएल रजिस्टर पेयर को आप डिक्रीज कर सकते हो। एंड डीसीएक्स एसपी हो सकता है, इवन आप स्टैक पॉइंटर को भी वन से डिक्रीज कर सकते हो। सो दीज आर द पॉसिबल इंस्ट्रक्शन फॉर डिक्रीमेंट द रजिस्टर पेयर बाय वन। तो ऐसे आप समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, विच इज डीसीएक्स एच, दैट मीन्स यू हैव टू डिक्रीज द कंटेंट ऑफ एचएल रजिस्टर पेयर बाय वन। आपको एचएल रजिस्टर पेयर के कंटेंट को वन से डिक्रीज करना है। देखो यहां पे एचएल पेयर नहीं लिखा होता, केवल एच लिखा होता है, तो इसे पेयर ही समझना है। ये हमें पता लगता है इस एक्स से, ये एक्स हमें ये बताता है आगे जो रजिस्टर लिखा हुआ है ये रजिस्टर पेयर है, ना कि केवल एक सिंगल 8 बिट का रजिस्टर है। ओके, तो लेट सपोज इस एचएल पेयर के अंदर जो वैल्यू है वो है 5000, और आपको क्या करना है? इसे 1 से डिक्रीज करना है। तो अब आप इसे 1 से डिक्रीज करने के लिए क्या लोगे? यहां से कैरी लोगे, तो कैरी कितने की आएगी? 10H की आएगी। 10H means 16, 16 में से आप 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 15, और 15 को हम लिखते हैं F से। अगेन यहाँ पे भी कितना आएगा? 15, यहाँ पे भी कितना आएगा? 15, तो यहाँ से हमने कैरी ली थी, तो ये 5 1 से डिक्रीज हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 4। दैट मीन्स फाइनली जो हमारा रिजल्ट कितना आ गया? 4FFFH। तो ये वाली वैल्यू 1 से डिक्रीज होने के बाद कितनी आ गई? 4FFFF। अब आप ये बताओ कि क्या हम यहाँ पे फ्लैग्स की वैल्यू लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि रजिस्टर पेयर को जब हम डिक्रीज करते हैं तब कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है ये हम INX RP के अंदर देख चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी फ्लैग्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड हियर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मशीन साइकिल्स क्या है? 1 है, और जो ये 1 मशीन साइकिल्स है ये कौन सा मशीन साइकिल है? फेच मशीन साइकिल है, और इस फेच के लिए कितनी टी स्टेट्स यूज हो रही हैं? 6 टी स्टेट्स यूज हो रही हैं, और हमने बात की थी कि 95% केसेस में फेच मशीन साइकिल्स विल टेक 4 टी स्टेट्स, लेकिन यहां पे फेच मशीन साइकिल्स कितने टी स्टेट्स ले रहा है? 6 टी स्टेट्स ले रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डीसीएक्स एच में जो ये एच है ये एक रजिस्टर पेयर है, ना कि एक सिंगल रजिस्टर है। तो हम इंक्रीमेंटिंग या डिक्रीमेंटिंग जो भी कर रहे हैं ये हम रजिस्टर पेयर में कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है ये प्रोसेसर के अंदर चलता है, क्योंकि एचएल पेयर कहाँ होता है? प्रोसेसर के अंदर हो रहा है। तो जो भी रजिस्टर पेयर के कंटेंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं वो प्रोसेसर के अंदर ही है, वो ना तो मेमोरी से आ रहा है ना वो आईओ से आ रहा है। तो जो पूरा का पूरा ऑपरेशन कहाँ चल रहा है? प्रोसेसर के अंदर ही चलता है, इसलिए जो फेच ऑपरेशन होता है वो कुछ डिले हो जाता है। सो दैट्स व्हाई फेच ऑपरेशन विल बी डिलेड, एंड आई टोल्ड यू देर आर वेरी फ्यू इंस्ट्रक्शन इन विच फेच विल टेक 60 स्टेट्स। तो इससे पहले 60 स्टेट्स कहां पर आया था? पुश इंस्ट्रक्शन के अंदर, वहां पर भी जो फेच मशीन साइकिल्स में डिले होने के कारण जो टी स्टेट्स थे वहां पे कितने आए थे? 6 आए थे। तो पुश इंस्ट्रक्शन में टी स्टेट्स कितने आए थे? 6 आए थे, और इसके बाद कहां आया था? INX में। तो INX में भी फेच मशीन साइकिल्स में कितने टी स्टेट्स लग रहे थे? 6 टी स्टेट्स लग रहे थे, और इसके बाद DCX में। तो इन तीनों इंस्ट्रक्शन के अंदर फेच मशीन साइकिल्स विल टेक 6 टी स्टेट्स। ओके, दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक लॉजिकल ऑपरेशन, एंड इन लॉजिकल ऑपरेशन फर्स्ट आई विल टेक एंड ऑपरेशन। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन हैव बीन कंप्लीटेड हियर। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर प्लीज लाइक इट, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। योर शेयरिंग विल हेल्प देम अलॉट। एंड इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।